बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बारक अली और आप देख रहे हैं टूर एंड टेस्ट। उम्मीद करता हूं अल्लाह के करम और फजल के साथ आप सब खैरियत से होंगे। तो टूर एंड टेस्ट में आज हम आप लोगों के लिए लेके बेसन वाली भिंडी, जो कि बहुत ही मज़े की तैयार होती है, खाने में बहुत लजीज और बहुत ही यूनिक से स्टाइल में जो है वो ये तैयार होगी, बहुत ही कम मज़ा इस्तेमाल होंगे। तो चलिए देखते हैं कि बेसन वाली भिंडी जो है वो किस तरह तैयार होगी, उसके लिए हमें किन किन अज़ा की ज़रूरत है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। भिंडी को धो के खुश करके ले आए और अभी भिंडी को जो है काट लेते हैं। भिंडी को काटने के लिए हम इसकी डंडी वाली साइड और नोक वाली साइड जो है वो काट लेंगे और इसे इस साइज में तकरीबन हम काट लेंगे। भिंडी कट गई और इसे हम डाल लेते हैं अगर कादी में। थोड़ा सा हम इस्तेमाल करेंगे लहसुन और इसको हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। लहसुन को भी बारीक बारीक चॉप कर लिए और अभी चलते हैं चूल्हे की तरफ। चूल्हे में आग हमने जला लिया और अभी पैन को रखते हैं चूल्हे पे। पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। पैन में हम डाल लेंगे 4 चम्मच बेसन। बेसन को हम हल्की सी आंच पे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। बेसन को हमने थोड़ी देर के लिए भून लिया और बेसन को जितना हमने भूनना था वो हमारा हो गया। अभी हम पैन को उतारते हैं चूल्हे से नीचे। बेसन को थोड़ी देर पकाने के बाद अभी हम इसे पैन में से निकाल लेंगे। पैन में से बेसन निकालने के बाद दोबारा से पैन को चूल्हे पर रख लेंगे। पैन में डालेंगे ऑयल, साथ ही पैन में डाल लेंगे चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। लहसुन को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लिया और अभी हम पैन में डाल लेते हैं भिंडी। भिंडी को हम हल्की सी आंच पे लहसुन के साथ फ्राई कर लेंगे। 3 चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे भिंडी के साथ दही। दही को अच्छी तरह फेंट लेंगे। दही के साथ शामिल कर लेंगे थोड़ा सा जीरा, हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ी सी सुरख मिर्च। इन तमाम चीज़ों को दही के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के लिए डाल लेंगे थोड़ा सा बीच में पानी। तमाम चीज़ों को दही के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें डाल लेंगे बेसन और बेसन को भी इन तमाम चीज़ों के साथ मिक्स कर लेंगे। एक अदद हम प्याज इस्तेमाल करेंगे और प्याज को हम काट लेंगे इस तरह, इसके 4 टुकड़े कर लेंगे और इसके बड़े बड़े पीस जो है वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ये वाले। भिंडी फ्राई हो गई है और अभी हम भिंडी के साथ पैन में डाल लेते हैं प्याज। प्याज के हम बड़े बड़े टुकड़े ही इसमें इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये देखने में खूबसूरत लगेंगे जब ये भिंडी तैयार होगी, तो इसलिए हम इसमें बड़े बड़े इसके टुकड़े इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी सी सब्ज़ी मिर्च इस्तेमाल करेंगे और इसको भी हम काट लेंगे।
अभी हम पैन में डाल लेंगे सब्ज मिर्च और प्याज और सब्ज मिर्च को भी थोड़ी देर के लिए भिंडी के साथ फ्राई कर लेंगे। सब्ज मिर्च और प्याज डालने के बाद भिंडी को मजीद थोड़ी देर के लिए हल्की सी आंच पे पका लिए। इस रेसिपी को तैयार करते हुए इसको ऊपर से ढांपना नहीं है, क्योंकि अगर इसे ढांप के आप पकाएंगे तो ये भिंडियाँ जो है वो टूट जाएंगी, तो इसलिए इसे खुला रख के पकाना है जितनी देर भी पकाना है। अभी हम पैन में डाल लेंगे बेसन, बेसन डालने के बाद अभी तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसमें चम्मच जो है वो मुसलसल हिलाएंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह यकजा हो जाएं और बेसन की गुठलियाँ जो है वो भी ना बने दही के साथ। अभी हम बेसन के साथ भिंडी को तब तक पकाएंगे जब तक भिंडी और बेसन जो है वो ऑयल छोड़ना ना शुरू कर दें, और इसको हल्की ही आँच पर पकाएँगे, आँच जो है वो नीचे तेज़ नहीं करेंगे। बेसन डालने के बाद भिंडी को अच्छी तरह पका लिया, भिंडी और बेसन ने ऑयल जो है छोड़ना शुरू कर दी है। अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए तेज़ आंच पे पकाएंगे। बेसन और भिंडी को थोड़ी देर के लिए तेज़ आंच पे पका लिया तो माशाल्लाह हमारी बेसन और भिंडी की सब्ज़ी जो है वो ज़बरदस्त सी तैयार होगी और देखने में माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सी लग रही है। और अभी हम पैन को चूल्हे से नीचे उतार लेंगे और अभी हम आपको बेसन और भिंडी की रेसिपी जो प्लेट में निकाल के दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह, तो माशाल्लाह ये हमारी बेसन और भिंडी की रेसिपी जो है बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई। आप भी हमारे तरीकों को फॉलो करते हुए इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई और इसका जायका कैसा रहा। और अभी हम आपको बेसन भिंडी की रेसिपी जो है वो टेस्ट करके बताते हैं। बिस्मिल्लाह, तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े की। बेसन जो है वो भी माशाल्लाह भिंडी के साथ पक के बहुत ही जायकेदार हो गया और दिल चाहता है मजीद खाने को। हाँ जी बेटा, बेसन भिंडी का मज़ा आया? तो माशाल्लाह ये हमारी आज की रेसिपी जो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो जो पसंद आई तो उसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त अहबाब के साथ, और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुँच जाए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा, और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। सदा खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।